भैया थोड़ी सी रुकिएगा अभी। आज मैं हमीरपुर जिला के गांव इचौली नायकपुरवा मजरा में हूँ। तो मैं आज मेरा लाइव दिखाने का ये मकसद है कि मैं जब इचौली आई थी तो एक ऐसा परिवार के घर के ऊपर आपदा आई हुई है कि वो आपको सुनने में भी लगेगा कि ऐसी है क्या चीज़। मैं आपको बता दूं कि ये आवास आया था और आवास बनकर पूरा तैयार हो गया था, लेकिन कुछ दिन पहले इतनी आंधी तूफान आई थी जिससे जानवर और साथ में यहाँ जो परिवार था वो भी दब गया था आंधी तूफान आने से। और इतना ही नहीं, अभी जो दबे हुए थे लोग तो यहाँ पर अभी इलाज चल रहा है और अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी प्रशासन नहीं आए हुए हैं। तो चलिए मैं उस परिवार से आपको मिलाती हूँ कि उनकी अब क्या स्थिति है। दादाजी ऐसे है ये थोड़े, क्या नाम है आपका? देवी दीदा। कहाँ के हैं? ग्राम इचौली नायकपुरवा जी। क्या हो गया था, कब आपका? 22 तारीख का थी, 21 तारीख को हम जानवर बांध रहे थे, एकदम की बड़ा तगड़ा सा आंधी तूफान आया और जब भागे हम लुकने के लिए तो एकदम की दीवार गिरी और बस इधर को हेरिए, एकदम की हवा बड़ी तेज से आई, मेरे तरफ को करिए, तो बड़ी तेज से हवा आई, एकदम की गिर गए। लड़का यहाँ गेट में खड़ा था वो भी दौड़ा कि मैं भी रुक जाऊं, लेकिन वो भी दब गया। अब कोई न रह गया, अब हम ही रह गए। अब चिल्ला रहे दौड़ो भैया, दौड़ो दौड़ो भैया दौड़ो। जब पड़ोस के सब पड़ोसी या भाई आए, जब कम से कम आए तो निकाला हम लोगों को, उतने बरक्कत हो गई। जानवर सब दबे थे, हम जैसे कहते गाड़ी लेकर के बांधा भागे बच्चा को, अभी भी बच्चा लेटा हुआ है, लेटे लेटे टट्टी लेटरिंग सब कुछ हो रहा है, पेशाब सब कुछ। अभी बांधा की तैयारी, कोई गाड़ी नहीं मिली, कल जा रहे, बोले कल जाएंगे तुमको, ठीक है भैया। तो ये हवा से आए तूफान से गिर गई है, क्या हुआ है? तूफान ऐसी गिरी है, खोला एरिया पा गई बस। तो यहाँ पे इतनी काहे का बना था आपका कॉलोनी? रेत रेत और बढ़िया सीमेंट, और वही अगल बगल पूरे मकान बन गए, दो खंड को ये भी खड़ा है, देख लीजिए खुद ही देख लीजिए। हाँ। तो वो यही चुनाई है सब, लेकिन वो कारण उतरे हुआ कि ये स्लैब के कारण गिरा मकान, हवा भर गई वैसे गिर गई, खुला एरिया पा गया। आपका आवास आया था? जी हाँ, आवास आया था जी। कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 4,05,000 तो है ही है, और यहाँ नहीं आया 25 पैसा न, कोई अभी अधिकारी, लेखपाल ले गया, सब ले गए, पत्रकार ले गया, सब पेपर भी निकाल दिया, लेकिन अभी आज तक कोई नहीं आया न कोई सुनाई है। क्या चाहते हैं आप? अब कुछ कम से कम व्यवस्था हो जाए तो मैं इसका ढकने के लिए, बच्चों को बिड़ने के लिए बनाऊँ, दूसरे के मकान में डरे हुए हैं बच्चे, अब पूरा खाना पीना राशन सब दब गया था, पानी में सब डूब गया था, सब फेंक फेंक के इधर लोग गांव वालों निकाल के कहीं खाना कहीं सब फेंक दिया। अभी आप क्या बता रहे थे कि जान अभी किस स्थिति में रह रहे हैं? अब स्थिति तो ऐसी है कि हम ही जानते हैं कैसी स्थिति है। जानवरों को कहाँ? जानवर अब ऐसे धूप में देख, खुद ही देख लीजिए साहब, धूप में पूरे जानवर बंधे हुए, नहीं कुछ छाया रहती थी, आप लकड़ी वकड़ी पन्नी नहीं डाले थे, वो अब पूरे जानवर बंधे हुए धूप में, मुंह निकाल रहे, जीभ निकाल रहे हैं खुदी। जी बस बस बस, ये देखिए जानवर सब धूप में, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ कर रहे, कहाँ बांधू, कहीं व्यवस्था नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं। ये आप ही के जानवर हैं? जी हाँ। अब क्या करें, कहीं जुगाड़ नहीं, कहीं बांध, किसके हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये जानवर भी दिख रहे होंगे, और जिनका आवास आया था ये दादाजी हैं जिनका नाम है देवी दीन, और यहाँ पर अच्छी खासी चुनाई थी, ये नहीं था कि
कमजोर दीवार भी है, फिर भी तूफान ने ये दीवार पूरी बनी कॉलोनी को नष्ट हो गई है, छत भर डालने के लिए रह गई है। अब इन परिवारों के लिए रहने की जगह ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि देखो ये 9 इंची की दीवार है और पिलर भी बहुत तगड़ा तूफान आया था जी। चलो भाई आप भैया देखो ये सब पड़ा हुआ है ऐसा ही, किस तरह से ईटा गुम्मा सीमेंट और ये बीम है, इतनी मोटी मोटी बीम थी। बस हो गया भाई, का नाम है तुम्हार? श्याम भाई। श्याम भाई जी, आज भाई या अब कहाँ रहा तो कैसे रहा थे? अब कहाँ रहा थे, नहीं रहा थे दाड़ी में, अब कहाँ रहा, जगह नहीं है। अभी क्या बोल रही थी, कितने दिन से खाना नहीं खाया? क्यों नहीं? 3 दिन से खाना नहीं खाऊ, जब घर गिर, जब घर गिर है 3 दिन से खाना नहीं खा हुआ, न चूल्हा बर हुआ है। सब जानवर दे वही गए थे, दब गए थे, लड़का दब गया है। अब हम वहाँ गोला पर जब बुहार मार कर दब रहे हो, जब कहूँ लड़का आ करने कारण हम सब घर भर दबे रहा, यहाँ मैं दबी रहा हूँ, लड़का और बहू वहाँ निकालती तो बहू भरी के काबू न रहा, तो मैं फिर वहाँ गुहार मार कर गया हूँ चौराहे, तो फिर आए ले नीचे और तुरता बांधे लगे धर के। अब कैसी है हालत? अब हालत पर है, लड़का वे दब गया, छोटा हिल हुई, छोटा हिल हुई गया, अब मुंदरी बैठे नहीं पावा ना बहुत है, आज बांधे ले जाते तो गाड़ी ना मिली। कौन आओ तो प्रधान आए थे? प्रधान नहीं आ हुआ है, वो लेखपाल भरा हुआ है, तो फोटो वोटो हुआ, पत्रकार रहा हुआ है, तो फोटो खींच लेगा था और अखबार में छप गाता है, 6 बजे गिर हुआ है, 6 बजे अखबार छप गाता है, शाम के 6 बजे आए, सुबह पेपर आ गया है, सुबह पेपर आ गया है। तो अब किस तरह का आपको क्या लगता है कि मदद चाहिए? मदद चाहिए, और का मदद न चाहिए तो हम का कर भी, हमें तो ये भीतर से खा नहीं जाता है रोटी है। तो आपने सुना ही होगा कि 21 तारीख को शाम 6 बजे यहाँ पर इतना भयंकर आंधी तूफान आया था और अभी तक यहाँ पे कोई किसी सरकार के तरफ से, शासन के तरफ से मदद नहीं हुई थी। उस समय लेखपाल भले ही आए थे जब आंधी आई थी और हमारा ये पूरा आवास गिर गया था, यानी कॉलोनी आई थी, तो तब आए थे, लेकिन 1 रुपए की कोई वो नहीं है। लड़का भी घायल है और लड़का के इलाज के लिए भी पैसा नहीं है, जिस तरह से है उस तरह से हम करा रहे हैं काम। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा और मैंने छोटा सा लाइव करने के लिए कोशिश किया है और मैं अपना लाइव यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।